हंस करके दिखा, हंसो बेटा हंसो। जी जी, मतलब ये भी गोश्त ही खाता है, बाजों के नस्लों में से आता है। अच्छा, ये भी गोश्त ही खाता है? गोश्त ही खाता है। तो क्या दे रहे हैं फीड में? तो वही आप उसको चिकन वगैरह दे रहे होंगे जनाब। तो ये है एक पीस 20,000 रुपए का जी, रेड आइज में। ठीक है, तो ये क्या इनकी एज क्या होगी इस वक्त सबकी? ये अभी तकरीबन 45 दिन का है, ये नर है। ठीक है, उसकी उम्र क्या होगी? इसको उम्र तकरीबन अभी 8 महीने का है। ये मस्कती है ये भी? अच्छा, ये बच्चा है, क्या एज है इसकी? ये 5 महीने का है। 5 महीने का बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका मेज़बान शाहिद सुफियान और आप देख रहे हैं हबीब टीवी। सूरत कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो जनाब, एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं आप लोगों की खिदमत में सदर इम्प्रेस मार्केट से, जहां हम इस वक्त मौजूद हैं जुम्मा खान भाई की शॉप पे। अच्छा, ये तो जुम्मा खान भाई की शॉप पे जब भी कोई नए नए बर्ड्स आते हैं तो हम उनकी अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो आज भी इनका कहना था कि मेरे पास कुछ नए बर्ड्स आए हुए हैं, जिसमें ईगल वगैरह है और कुछ गोल्डन ईगल है, इसके अलावा कुछ तीतर वगैरह भी इनके पास। तो जितनी भी इनके पास कोई नई ब्रीड आई हुई है बर्ड्स की, इंशाल्लाह वो आपको शो कराएंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने जो है वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए जुम्मा खान भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटी की आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। तो बिना टाइम जाए कि स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, आपके हाथ में माशाल्लाह से एक उकाब मौजूद है, कौन सी ब्रीड कहलाता है ये? एम्पिलियर है। एम्पिलियर जी। ठीक है, इसकी एज क्या होगी अंदाजन? इसका अभी तकरीबन 2.5 साल उम्र है। 2.5 साल उम्र? हाँ, बच्चा है अभी तक, कम उम्र। अच्छा, बच्चा है। ये कब तक फुल मतलब हो जाता है कंप्लीट? तकरीबन 15 साल। अच्छा, 20 साल। अच्छा, इसका भी होता है? हाँ। ठीक है, तो क्या दे रहे हैं फीड में? तो वही आप उसको चिकन वगैरह दे रहे होंगे? बस वही गोश्त इसके सामने रख लेते हैं, मुर्गी का सिरी डाल दो या पोटा डाल दो या कलेजी डाल दो, खाता रहेगा। अच्छा, अभी आप मांग क्या रहे हैं इसके? इसका 25,000 रुपये कीमत है। 25,000 रुपये? कम और बेसी के साथ क्या हो जाएंगे फाइनल? 23,000 रुपये तक करवा देंगे आपके व्यवहार के लिए। चलिए जी, ठीक हो गया। अब जनाब, नीचे जो है गोल्डन ईगल के बच्चे रखे हुए हैं इन्होंने यहाँ पे। अच्छा, इनकी क्या है चीज़ें बच्चों के? जी, बच्चों का 20,000 रुपये कीमत है। उम्र क्या है इनकी? उम्र अभी तकरीबन 2-2 हफ्ते के। 2-2 हफ्ते? 14 दिन 15 दिन के। ठीक है, ये चेक कर सकते हैं आप। प्योर बच्चे माशाल्लाह, उसके पाँव देख लो, पाँव पे भी बाल है, आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए आप माशाल्लाह सिल्वर, ये कहलाते हैं गोल्डन ईगल। ठीक है, और इनकी एज इन्होंने कितनी बताई? 20 तकरीबन 15 दिन 14 दिन इतना उम्र का। 15 दिन इनकी एज है, ये आप चेक करें माशाल्लाह से। और डिमांड आपने क्या की पर पीस की? 20,000 रुपये कीमत है। 20,000 रुपये कीमत है। तो अच्छा, वैसे ये अगर कोई फॉर एग्जांपल आपसे परचेस करता है तो ये माँ बाप के बगैर सर्वाइव करेंगे? हाँ, कर लेते हैं, जिंदा रहेंगे ना आगे? हाँ, जिंदा रहेगा। कलेजी हम लोग के लाते हैं, 6 दाने थे, अभी 2 दाने रह गया, 4 दाने दे दिए। 4 सेल हो गए। चले ठीक है। नहीं, एक पीस जनाब, तो ये है एक पीस 20,000 रुपये का, और तो कुछ कम बेशी इंशाल्लाह ये कर देंगे। चले, तो इसके अलावा क्या शुक्र आने वाले? इसके अलावा बुधवार है, जो हल्का रेटों पे बुधवार के लाते हैं, ये पड़ा है सामने। चले ठीक है, वो आपको शो कराते हैं व्यूअर्स जी। जुमा भाई, ये क्या है? ये बुधवार के लाते हैं। बुधवार? अच्छा, ये भी मतलब उकाब के आसपास की कोई चीज़ है? हाँ, ये बुधवार, ये मतलब छोटा मोटा शिकार करते हैं। उकाब जो है वो तो बड़ा शिकार करता है, जैसे बकरा, दुम्बा, वो चीज़ें। अच्छा, ये कबूतर, खरगोश, मुर्गी, ये चीज़ें पकड़ते हैं। अच्छा, क्या उम्र होगी इसके अंदाजन? इसका तकरीबन अभी साल ही पूरा उम्र है। तो ये नर है मादी है? ये नर है। अच्छा, इसमें नर और मादी की पहचान कैसी होती है? वो मादी आगे पड़ा हुआ आपको दिखाता है, मादी हल्का कलर का होता है, नर का यहाँ पे यानी तेज कलर होता है, अभी दिखाते हैं। चलो ठीक है सर, चलिए तो आपको इसकी मादी भी शो कराते हैं। ठीक है, इसके साथ ये मादी है इसकी। ठीक है, ये मादी भी आप इसकी देख लें। ठीक है, अच्छा, तो अभी आप सिंगल पीस की क्या डिमांड कर रहे हो और जोड़े की क्या डिमांड कर रहे हैं? जोड़े का तकरीबन 3,000 डिमांड है और सिंगल का 1,500 यानी 1,500 रुपये रहे। अच्छा, मतलब पर पीस 1,500 का पड़ेगा और जोड़ा 3,000 रुपये? 3,000 रुपये का पड़ेगा। चलिए ठीक है, बिठा के दे देंगे। चलें ठीक है जी। जुमा भाई, ये फिल्कन बाज कहलाता है। अच्छा, ये नर है मादी है? ये नर है। ठीक है, उसकी उम्र क्या होगी? इसको उम्र तकरीबन अभी 8 महीने का है। 8 महीने का? और इसकी क्या डिमांड रखी है आपने? ये 4,000। 4,000? और ये भी वही मतलब गोश्त वगैरह ही खाते हैं? हाँ, गोश्त ही खाते हैं। हाँ, चले ठीक है जी। जुमा भाई, ये कौन सी ब्रीड है? ये चुग्गी है। चुग्गी, ये भी वकाब में ही आती है ना? वकाब की नस्लों में आते हैं। अच्छा, इसकी क्या है जी?
ये तकरीबन 4 साल का है। 4 साल का, ये भी बड़े शिकार करता है ना? हाँ, ये भी बड़ा शिकार करता है। ठीक है, इसकी क्या डिमांड रखी है आपने? ये 6,000 रुपये। 6,000 रुपये, इसमें कुछ कमो बेशी तो हो जाएगी ना जी? आपके व्यूअर्स के लिए 5.5 तक कर देंगे। चले ठीक है, चले आप व्यूअर्स आप कुछ नई चीज़ शो कराते हैं। जी जुमा भाई, ये ईगल है। ये कौन सी ब्रीड कहलाता है? ये ईगल ही कहलाता है। ये और ये टंडोलियार के साइड पे होता है ये। अच्छा जी, ठीक है। तो इसकी एज क्या होगी? इसका तकरीबन अभी 2 साल उम्र है। 2 साल उम्र है जी। ठीक है, क्या क्या मांग रहे हैं आप इसके? ये 8,000 रुपये की मात्र से। 8,000 रुपये, कम बेशी कुछ हो जाएगी? 7.5 तक कर लेंगे आपके व्यवहार। चलिए ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक नया बर्ड भी आपको शो करा देते हैं। अच्छा, ये नीलकंठ कहलाता है। नीलकंठ, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में पूछते हैं। माशाल्लाह देखो, ये ओरिजिनल कलर है। अच्छा। ये कोई कलर मलर नहीं हुआ। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं, साफ दिखाई दे रहा है जी भाई। ये भी गोश्ती खाता है। मार्केट में वो बांगड़ी लोग होते हैं ना, तो वो छोटे बर्ड्स को जो है ना कलर वगैरह कर देते हैं। अब ये तो क्लियर नजर आ रहा है माशाल्लाह से, बिल्कुल। अच्छा वीर, तो ये निकल के लाता है, इनकी क्या उम्र होंगी अंदाजा इस वक्त? ये तकरीबन 8 साल तक भी रह सकता है, 7 साल तक भी रह सकता है, जो नेट में मैंने इसको उम्र देखा है। अच्छा, सर्च किया होगा आपने। ठीक है, तो अभी ये मेल है या फीमेल है? ये मेल है। मेल है, इसकी फीमेल भी आपके पास रखी हुई है। अच्छा वीर, तो इसकी जो फीमेल है वो भी आपको शो करा देते हैं। ये छोड़े अंदर। अच्छा, वो देखें आपको सामने जो है इसकी फीमेल भी नज़र आ रही होगी। ये पूरा जोड़ा है कंप्लीट। अच्छा वैसे ये कौन से शहर में ज़्यादा पाए जाते हैं पाकिस्तान में? साइबेरिया का कहलाता है। अच्छा, ये साइबेरियन ब्रीड है। ठीक है, तो मतलब बाहर से इंपोर्ट की गई है। जी जी, मतलब ये भी गोश्त ही खाता है, बाजों के नस्लों में से आता है। अच्छा, ये भी गोश्त ही खाता है? गोश्त ही खाता है। ठीक है, कलेजी पोटा गोश्त के टुकड़े करके डाल देते हैं। अच्छा, माँ क्या रहे आप इसके? 15,000 रुपये जोड़ा है। 15,000 रुपये जोड़ा है जी। ठीक है, तो कम बेशी तो कर ही देंगे आप कुछ ना कुछ? वो इंशाल्लाह ज़रूर कर देंगे जब फ़ोन करेंगे। चलिए ठीक है। जी जुमा भाई, ये साइबेरियन कोयल कहलाते हैं, जैसे हमारे यहाँ के कोयल हो गया, कौवा हो गया, यानी ये वहाँ के कोयल। अच्छा, ये इनका साइज़ माशाल्लाह से बड़ा ही बेहतरीन है भाई, डरावना साइज़ है इसका तो। हाँ, ये पंजरा छोटा है और ना ये और खूबसूरत आवाज़ें निकालता है जब खुश होते हैं ना बड़े पंजरे में। अच्छा, बहुत तेज़ आवाज़ें निकालते हैं। अच्छा, ये भी नर है या मादी है? नर है ये। नर है, माशाल्लाह। इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं आप? ये 15,000 रुपये जोड़ा था, इसका मादी मेरे से उड़ गया। ओहो, तो अब ये कितने का पड़ेगा सिंगल? 7,500 रुपये का, मतलब 7 तक फाइनल दे सकते हैं? 7 तक दे देंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है साइबेरियन कोयल। ठीक है, और 7,500 मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा, नायाब परिंदा है माशाल्लाह। चले ठीक है। ये मस्कती है, जो इसके पीछे वाला पड़ा हुआ है वो फार्मी है। ये मस्कती का पहला क्रॉस है। मस्कती का ये पहला क्रॉस है, और इसकी एज क्या है? इसका तकरीबन 12 महीने पर हो गए। 12 महीने मतलब साल का है? ठीक है, साल का है। अच्छा, तो ये बताएं, कभी ब्रीड वगैरह तो अभी इससे नहीं कराई ना? नहीं, अभी ब्रीड नहीं कराई, ये लड़ाने के लिए तैयार किया गया है। अच्छा, तो कुछ आवाज़ें वगैरह निकाल रहा है या नहीं? आवाज़ें बहुत खूबसूरत आवाज़ें निकालते हैं। हाँ, स्टार्ट। ठीक है, क्या मांग रहे हैं आप इसके? ये 15,000 रुपये कहे गए। 15,000 रुपये का जी, और कम बेची तो खैर आप कर ही देंगे बाद में। ठीक है, अच्छा इसके साथ वाला एक और है, वो भी आपको दिखाते हैं। इसको नीचे रखें आप, ये वाला दिखाएं ज़रा। अच्छा जनाब, तो ये भी है, ये भी मस्कती है? ये फार्मी कहलाता है। फार्मी चकोर। फार्मी चकोर, ठीक है। इसकी क्या है जी? इसका भी 8 महीने का। 8 महीने का, ये नर है मादी है? ये नर है। नर है, ठीक है। ये भी कुछ आवाज़ें वगैरह निकाल रहे हैं या नहीं? आवाज़ें तो हर चकोर निकाल देते हैं, मतलब नहीं, मतलब इसकी एज वाइज भी फ़र्क पड़ता है ना, कि अब किस एज तक ये मतलब मुकम्मल जो है आवाज़ें वगैरह निकालना शुरू करता है? तकरीबन 1.5 महीने तक हो जाता है, आवाज़ें शुरू कर देते हैं बच्चे। अच्छा, और उसके बाद मतलब कंप्लीट किस एज तक होता है? 12 महीने तक हो जाता है, फिर ये अंडो बच्चों पे ब्रीड के लायक काबिल हो जाते हैं। अच्छा नहीं, ठीक है, तो उसके क्या मांग रहे हैं आप? ये 5,500 रुपये। 5,500 रुपये का, चले ठीक है। अच्छा ये तो ये कोर चकोर है, मस्कती है ये भी। अच्छा, ये बच्चा है, क्या एज है इसकी? ये 5 महीने का है। 5 महीने का है, ठीक है। नर है ना ये भी? नर है। हाँ। अच्छा, इसकी क्या डिमांड रखी है आपने? इसका 6,500 रुपये, बड़े का 15,000, ये 6,500, छोटे का 6,500 रुपये। चलें ठीक है। जी जुमा भाई, ये फार्मी के बच्चे हैं। अच्छा, क्या उम्र है इनकी? इसका भी तकरीबन 1 महीने का पूरा हो गया। 1 महीने का पूरा हो गया, ठीक है। तो इसकी क्या डिमांड रखी है आपने? ये 3,000 रुपये जोड़ा है, ओरिजिनल फार्मी के बच्चे हैं। अच्छा, जोड़ा है 3,000 रुपये का जी, यानी कि पर पीस जो है वो पड़ेगा 1,500 रुपये का। 1,500 रुपये का जी। चलिए ठीक जी। ये मस्कती चकोर है, 9 महीने का है, इसका कीमत है 8,000 रुपये। अच्छा, आवाज़ वगैरह तो निकालता होगा ये भी? हाँ, आवाज़ें निकालता होगा। ठीक है, तो इसकी क्या डिमांड रखी है आपने? इसका 8,000 रुपये कीमत रखे अभी, माशाल्लाह मस्ती में। हाँ सही।
जी भाई, तो ये प्यारे से खरगोश भी मौजूद हैं इनकी शॉप में, तो ये रेड आइज़ में है ना? जी रेड आइज़ में। ठीक है, तो ये क्या इनकी एज क्या होगी इस वक्त सबकी? ये अभी तकरीबन 45 दिन का है। 45 दिन के बच्चे हैं। ठीक है, तो पर पीस किस हिसाब से दे रहे हो ये? 1500 रुपये जोड़ा है। 1500 रुपये जोड़ा जी। ठीक है, अच्छा ये रेडाइज इनकी ब्रीड कहलाती है या ब्रीड कोई और है, किसी और नाम से मशहूर है ये? नहीं, ये रेडाइज ही कहलाते हैं। अच्छा, मतलब रेडाइज। हाँ चलें, ठीक है जी भाई। तो एक प्यारा सा बंदर भी मौजूद है जुमा खान भाई की शॉप में, बहुत ही स्वीट है। अच्छा ये मेल है फीमेल है? ये फीमेल मेल है। मेल है ना जी। और इसकी एज क्या होगी अंदाजन? इसका 2 महीने की उम्र है। 2 महीने की। और डिमांड क्या रखी है आपने इसकी? 20,000 रुपये कीमत है। शौक पर होने के बाद हम लोग वापस लेते हैं 17,000 रुपये का। हफ्ता, दो हफ्ते, तीन हफ्ते, महीने तक इंसान रख लेते। अच्छा, यानी शौक पर हो गए उसके लिए प्रॉब्लम नहीं, वापस लेके आवे। तो फिर ये बड़ी अच्छी बात है। जुमा खान भाई बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई हमसे फॉर एग्जांपल ये 20,000 में परचेज़ करता है, ठीक है, तो शौक के लिए, तो 3 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद ये उनका शौक ख़त्म हो के वो वापस देना चाहे तो ये उनसे 17,000 में वापस भी ले सकते हैं। हाँ ठीक है, और ये हर बंदा इस तरह नहीं करता, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है, तो जो भाई भी परचेज़ करना चाहे माशाल्लाह से, शौक के लिए भी घर पे रख सकता है, शौक पूरा करे उसके बाद बेच दे। हंस करके दिखा, हंसो बेटा हंसो, रास्ता भी है, हंसो बेटा हंसो हंसो। चलें ठीक जी। दोस्तों एक और बंदर भी मौजूद है हमारे साथ, इसकी क्या है जी? ये भी 1.5 महीने का, ये उससे छोटा है। ये उससे छोटा है, ठीक है। लगता है इसने अभी अनकरीब जो है ना कोई जिम वगैरह ज्वाइन किया है, बॉडी वॉडी दिखाना चाह रही है। अच्छा ये नर, ये भी नर है ना? हाँ ये फीमेल है। ये फीमेल है, ठीक है। इसी क्या डिमांड रखी है आपने? वही 20,000 रुपये, मेल चाहे मेल मिलेगा, फीमेल चाहे फीमेल मिलेगा। चलें ठीक है। तो जी दोस्तों, ये थे जुमा खान भाई के शॉप के बर्ड्स जो नए आए थे, जो हमने आपको शो कराए। अच्छा वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन चीज़ें जो नई थी वो यही थी जो हमने आपको शो कराई। तो इंशाल्लाह जैसे इनके पास चीज़ें आती रहेंगी बर्ड्स वगैरह, तो वो भी आपको शो कराते रहेंगे। तो इनका कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं जी। जुमा भाई नंबर शेयर करें अपना जी, 03168021059। अच्छा लोकेशन कहाँ की है? ये कराची सदर इम्प्रेस यू मार्केट। ठीक है, सो यूर लोकेशन इनकी जो है वो कराची सदर इम्प्रेस मार्केट, इम्प्रेस यू बिल्डिंग है, उसके नीचे बिल्कुल इनकी शॉप वगैरह होती है। जुमा खान इनका नाम है, ठीक है। तो जिन भाई को भी इनसे परचेजिंग करनी हो यहाँ कर सकते हैं। सो यूर ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे जुमा भाई को और मेरे कैमरा मैन हबीब भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।